या अल्लाह बचा ले कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए। हयात इधर आओ जरा, मेरी तो नब्ज भी तेज चल रही है। या अल्लाह सांस भी नहीं आ रही, लगता है आज तो मैं मर ही जाऊंगी। हयात तुम्हें क्या हो गया है असली? घबराओ मत ऐसे, हाँ मैं करूंगी सामना। जी एम ने आंटी आपने बुलाया? हयात को बुलाया था, तुम क्यों आ गई? वो तो नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर है भी और नहीं भी, मैं समझाती हूँ। असल में बात यह है कि आईपिक को ऑफिस से कुछ सैंपल्स मिले थे फेशियल मास्क के, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस सैंपल को ट्राई करके देखते हैं, इसमें कोई हर्ष तो नहीं है ना, इसलिए हयात और आईपैक इसे लगाकर लेटी हुई हैं। असली तुम लोग पागल हो क्या? कोई भी चीज मुंह पे लगा लेती हो, अगर उस चीज में खराबी हुई तो मुंह खराब हो जाएगा सारा, समझी? ठीक कहा। अच्छा मैं समझाती हूँ उन्हें। तुम जरा इधर आओ जल्दी। शाबाश बच्चे, आ जाओ। क्या मैं थोड़ी देर में आऊं? सुना नहीं, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, इधर आओ जरा मेरे पास तो बैठो। हाँ हाँ आ जाओ। हाय मेरी प्यारी बेटी, बात सुनो, तुम्हें एक बात बताऊं, इन तीनों में से सिर्फ तुम ही सबसे समझदार हो। अब जल्दी से बताओ जरा कि ये दोनों इतनी देर से कमरे में बैठ के क्या खिचड़ी पका रही हैं? हयात और आईपैक अंदर नहीं है आंटी। हयात जो है वो किसी और के आईडी कार्ड पे नौकरी कर रही है, और जिसका आईडी कार्ड है वो उसके घर गए हैं उसको मनाने के लिए, ताकि वो उसकी कंप्लेन ना कर दे कहीं। और ये सब हयात ने इसलिए किया ताकि आप साथ ना लेकर जाएं उसको अपने। और कोई रास्ता नहीं था। शरीर के अरे ऐसा तो ड्रामे में भी नहीं होता। हाँ नहीं होता, हंसने का बिल्कुल दिल नहीं था लेकिन इसने हंसा दिया। मैं तो पागल बनी गई थी। पागल तो मैं हो रही हूँ।